के जबरदस्त मौका। इसके मैच का आगाज हो चुका है, लंबे कट के खिलाड़ी जोरदार किक के प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय रोकने में कामयाब है। जैसे नंबर 9 ने बेस्ट होल करते हुए साथी के प्रयास में एक मैच पास करते हुए बेहतरीन लीवी के साथ इस मैच में सत्य होता हुआ इस समय जैसे मस्जिद के इसके साथ मिलान के लिए निकाला है। और इसमें कहीं न कहीं चिमने में कामयाब है और चंद्र के साथ बहुत दूसरा कलर टाइगर चित्र में और इसमें अच्छी कल गुटिंग का नजारा देखने को मिला है। इस तरह का टाइगर कीपर इस समय पास करते जैसे मत 13 और समय गलत कर गए, लेकिन इस तरह से और इसमें गोल किक और समय उचलकर किक साथ साथी खिलाड़ी के लिए 8 बोले खिलाड़ी नोटे के खिलाड़ी एक समय पास पास जैसे में 10 के लिए बेहतरीन साथ बेहतरीन उछाल के साथ मुनिराम के लिए देखना होगा। मुनिराम की रन आई है और इस समय कहीं ना कहीं अपने कब्जे में बनने का प्रयास इस समय, लेकिन रोका गया है कतरा को और इस समय कभी के साथ अपलन करिए बॉल जाती हुई, लेकिन फिर भी जैसे नफर जो कि खिलाड़ी टाइगर के कब्जे में एक साइड खिलाड़ी रोकने में कामयाब फिर से हाई वोल्टेज मैच इस समय चलता हुआ रंजीत जी और समय आगे को निकालने का प्रयास और निकल चुका है दूसरा बारा जो कि एक मौका बन सकता है हल्की के साथ राइट विंगर के लिए एक हेडिंग के साथ स्ट्राइकर को देना चाहा, लेकिन स्ट्राइकर तक बहुत पहुंचे जरूर थे लेकिन कहीं ना जी का प्लेलिस्ट आ चुका है जानकर बता चाहेंगे तमाम दर्शकों को गोलकीपर का भूमिका निभा रहे हैं विक्रम और डिफेंडर 2 नंबर की जर्सी पे जो नजर आ रहे हैं अमन दुबे के बारे हैं और 9 नंबर की बात करें मिडफील्डर के खिलाड़ी बाबू और लारा 11 नंबर जर्सी पे नजर आ रहे हैं हेनरी 12 नंबर की जर्सी पे नजर आएंगे और पीयूष 6 नंबर की जर्सी पर यानी कि राय बर्बर खिलाड़ी और जाहिरू 10 नंबर की खिलाड़ी एक सेंटर परवर खिलाड़ी और राहुल की बात करें 8 नंबर और मुकेश 3 नंबर इस तरह से है पुलिस ग्रेड का प्लेलिस्ट और सरेकला टाइगर का प्लेलिस्ट जमा नहीं हो पाया इसलिए तमाम दर्शकों को जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। 7 नंबर इस वक्त पूर्णा चंद गति के साथ लेना चाहा लेकिन चली गई इस वक्त सरेकला टाइगर गति के साथ लेता हुआ लेफ्ट परपर खिलाड़ी 9 नंबर के लिए होल्ड के हैं इस समय साथ खिलाड़ी को मोने करो लेकिन बारह हेनरी गेंद तक पहुंचने में सफल रहा गेंद जो है टच लाइन के करीब इस वक्त अमन के लिए बड़ा है अमन गेंद को उछाल रहे इस वक्त अच्छी रिसीविंग के 10 नंबर साथ खिलाड़ी को मोने की इस वक्त जहरू के लिए बड़ा है गेंद हालांकि इस वक्त कहीं ना कहीं 11 नंबर होली स्प्रेड लारा साथ खिलाड़ी को मोने कर इस वक्त अच्छी पास अमन के लिए निकाले हैं कि मुख्य डिफेंडर की भूमिका निभा रहे हैं और जो बात है कि राजन कर्मा जी स्वागत है पुनः एक बार आपको कमेंट्री बॉक्स में एक तरफ है स्ट्राइक और जीत के कसौटी पर बना हुए हैं और बात करें यहां सबसे ज्यादा अगर कोई अनुभवी खिलाड़ी है तो जर्सी नंबर 11 जो आदित्यपुर फुटबॉल क्लब के लिए काफी फुटबॉल खेले हैं मिस्टर लारा और मैं बता दूं हालांकि इससे पहले हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पाया था कि ये टीम कहां की है तो ये कुलटागा आदित्यपुर की टीम है जो होली स्प्रिट स्कूल के नाम से यहां पर और ये फाउल होगा और ये लारा के साथ बहुत ही सुंदर उछाल आई और कहीं ना कहीं गोलकीपर के पंच से गेंद छूट चुकी थी लेकिन देखना पड़ेगा बैक टू बैक चांसेस यहां पर हालांकि टप्पा चाहेंगे कॉर्नर आर्क से गोल पोस्ट की तरफ अच्छी बॉल जो रिलीज हुई है लेकिन वहां डिफेंडर तैनात और कोई हाहाहत नहीं वहां दिखने वाली बात होगी
इसके बाद भी एक और मैच होंगे। जिया 19वां नंबर का मुकाबला के लिए आर्मी ब्रदर्स, आप रेडी होते रहेंगे सेकंड राउंड ग्रुप बी से। आर्मी ब्रदर्स चाईबासा वर्सेस नितेश ब्रदर्स, आप रेडी हो जाएंगे। जैसे नंबर अच्छी बटवारा करना चाहे वहां जैसे बच्चे के साथ अच्छी कंट्रोल के साथ जैसे बच्चे बेहतरीन। वहां चार खिलाड़ी दो टीम के क्या करना चाहेंगे समय लेते हुए राइट विंगर और आलिम या फिर संदीप मौजूद नहीं है लेकिन रास्ता जरूर है। बेहतरीन शॉट लेकिन मुनीराम की हेडर आनी थी वहां और बॉल बॉल बचे और फिर से एक बार स्ट्राइक लग टाइगर के पास और ये अकेले हैं और इसके ऊपर गोल नहीं कर पाए। दिल को ताला देने वाली मौका यहां वंचित किए हैं निरस्तान और मुनीराम ने। बिल्कुल नो मैन थे और इसके बावजूद गोल ना करा जाना बाद में पछतावाना पड़ जाए। तुम्हारा मौका बना था जो कि गोल गोल एरिया के अंदर मुनीराम का स्टार खिलाड़ी गोल जो है कीपर को बीट करने में कामयाब नहीं और मौके गवाए हैं वो टीम स्ट्राइक के लिए एफसी और समय मौका बनेगा साइड के टाइगर के लिए और समय मुनीराम के लिए लेकिन कोई मौका नहीं और समय एक हल्की कदम के साथ जैसे नंबर 8 साथी क्लब तलाश में एक विचार के साथ इसे राइट विंगर के लिए निकाला है और इस समय कीपर के रन के साथ इसमें बिल्कुल हकलाट करी थी लेकिन वो बॉलर के साथ रेस क्या है हेडर के लिए कोई मौका नहीं और समय से बिल्कुल खिलाड़ी जैसे मैं नाइन के लिए बॉल निकाला है एक ऐसे नंबर पर साथ कहीं ना कहीं बहुत बहुत में कामयाब नहीं। टीम की बात करें तो टीम सराज है दिग्गज के लिए सराज है और समय दोनों ही टीम है दोनों टीम जो है एक दूसरे से हावी होता हुआ नतीजा 0-0 स्थिति में और इस स्थिति को तोड़ते कौन से खिलाड़ी है क्या बाबो तोड़ेंगे नौ नंबर के जैसे पर बहुत ही शानदार खिलाड़ी होली स्ट्रीट की ओर से और ये जो अलग थलग हेयर स्टाइल के खिलाड़ी आपको डबल नजर आ रहे हैं एक तो है मिस्टर राहुल जो 8 नंबर की जर्सी पर और एक है मिस्टर जायरू जो 10 नंबर की जर्सी पर है। शानदार रिदमदार स्ट्राइकर के नाम से जाने जाते हैं और ये इनके पास स्किल काफी है सुंदर तरीके से गेंद को अटेंड करना इनसे सीखना पड़ेगा आपको। फिलहाल 4 नंबर के लिए सरदार राइट बैक कॉर्नर और इन्होंने नपतुलक का प्रयोग करना चाहा बट बहुत ज्यादा जो भी टीम जीते हैं रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। जुनेर रिस्पोंडिंग और प्रेम एफसी के बीच जो पेनल्टी शूट आउट खाली थी उसकी विस्तृत जानकारी यहां तक पहुंचा दीजिएगा क्लब के मेंबर्स। आप हैं जुनेर रिस्पोंडिंग और गाड़ा परम प्रेम रिस्पोंडिंग वहां से पेनल्टी शूट आउट हुई थी वाल को हिट किया है और गोल लगा देगा तो खाली है। 12 नंबर ने क्या अद्भुत किक किया वाह हेनरी अनक्रेडिबल अविश्वसनीय किक। थैंक यू वेरी मच कहते हुए हेनरी बाबू गोल के परवादों को और कहीं ना कहीं बिल्कुल के बाद ये स्ट्राइक लग टाइगर के लिए दुखद संदेश एक गोल से पछाड़ता हुआ टीम देखना होगा बच्चे कुछ समय में चतुर मुर्मू जैसे खिलाड़ी क्या टीम को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं और उसी प्रकार की शॉट आपको डालनी होगी अभी जिस प्रकार हेंडी ने अभी शॉट डाला था खास तौर पर स्ट्राइक लाइन टाइगर के लिए जी बिल्कुल और देखने वाली बात होगी स्ट्राइक लाइन टाइगर भी जो है किसी से कम नहीं नाम तो सही पता चल रहा है और इसमें मौका बनेगा कमल का ड्रीमिंग साथ है एक समय का पास के साथ ही क्लियर के जैसे मारे गए जो कि टीम के स्ट्राइकर हैं कहीं ना कहीं समय मौका बनेगा फिर से एक हकीक के साथ इस समय होल्ड करते हुए जैसे बार बार साथी की तलाश में होल को निकल रहा है मौका बनेगा पेनल्टी रख कर ये भी लेकिन कहीं ना कहीं से मौके गवाए हैं। और लेविया जी जब आप गोल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आत्मविश्वास है वो शिखर पर होता है
और ऐसा मानो हेनरी इस समय जिस कमाल के मिडफील्डर के किरदार अदा कर रहे हैं, पूरी तरह से इनकी आत्मविश्वास जो है इस समय शिखर पर। अगर बाबू के पास में मौका है और बाबू एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद गेंद को ड्रिबल कराएंगे। यहाँ करना था जर्सी नंबर 6 मिस्टर पीयूष, थोड़ा सा रन गति को बढ़ाना था और यहाँ दूसरी गोल की बढ़त बना लेगी तो फिर सरायकेला टाइगर के लिए वापसी का तमाम दरवाजे बंद नजर आएंगे। इस पर भी ध्यान देना होगा मुनराम जो टीम की कप्तानी पारी को खेल रहे हैं, ना कि अपने आप को बचाए रखना है और विरोधी टीम का स्कोर को मिनिमम 1-0 पर रोक के रखना है। बहुत कम समय में लेकिन आपको काम जो है बहुत ज्यादा करना है, यही कठिन परिस्थिति है। जी बिल्कुल, आप राजेश जी बड़े बड़े टूर्नामेंट आ जाते हैं, चाहे सिक्किम के क्षेत्र का है, चाहे सरायकेला का सोलह क्षेत्र का है या पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र आ जाते हैं, आप बड़े बड़े टूर्नामेंट जाते हैं। ऐसा होता है कि अंतिम अंतिम चरण में किसी भी टीम को एक मौका जरूर मिल सकता है, जो कि एक उस तरफ खेल जा देखा गया है, कहीं ना कहीं देखने की बात होगी। राजन बिल्कुल शेर की तरह दौड़ रहे हैं पीयूष और अच्छी कट भी, वाटर टैक लवली ड्रिबल, बहुत ही शानदार ड्रिबल लेकिन अच्छी पोस्ट नहीं। पीयूष लॉक जरूर हुए लेकिन ड्रिबल में पास किए और आपने सही वक्त बात का जिक्र किया है लविया जी, बड़े टूर्नामेंट बड़ा मैच है, कोई भी टूर्नामेंट क्यों ना हो मैच का फासा जो है किसी भी वक्त पलट सकता है। जी बिल्कुल, मैच का फासा ये नॉकआउट है, ये भविष्यवाणी करना गलत होगा, पर जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों टीम अटूट रूप से यहाँ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। भले एक शून्य से सरायकेला टाइगर की टीम पीछे चल रही है पर अभी समय है उनके पास, जो भी बचे कुछ इसका सही उपयोग और ये बेहतर शॉट मुझे लगता है चली जाएगी और आरबी बर्दाश्त चाहे बासा अपने आप को रेडी अवस्था में बनाए रखेंगे। फिलहाल गोल की खुली है और थोड़ा सा जोखिम लेना पड़ेगा, समय कम रह गया है, उनका डिफेंसिव और ऑफेंसिव लाइन काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, खास तौर पर हेंडे जैसे मिडफील्डर हो, लारा जैसे स्ट्राइकर हो तो टीम का रिजल्ट मजा आता है। निकाला भी है इन्होंने अपने पहले में रिजल्ट को, ये गोल की बढ़त बनाया है, कुछ समय और व्यतीत कर लेते हैं तो लारा की टीम निकल जाएगी सीधे सेकंड राउंड में। हेनरी क्या लगा आप शॉट का, लेकिन क्या शानदार डिफेंडर है, इसे कहते हैं शेर के जबड़े से घोष को तान कर निकालना, इन्होंने वो किया है वेल्डन डिफेंडर। और एक सेकंड के भी विलंब होती तो गेंद सीधे वो गोलजाल में फंस जाती, अर्थात दो गोल का क्लिक आ रही है। सबसे बड़ा योगदान मिस्टर हेनरी जर्सी नंबर 12, सबसे बड़ा योगदान भीड़ के हड्डी में टर्रारा फूर्ति, सबसे बड़ा योगदान बाबू लेफ्ट बैक कॉर्नर के खिलाड़ी, यह अंतिम मौका हो सकता है और अंतिम गेंद भी शायद, समय बिल्कुल खत्म की ओर। और यहाँ पर बढ़िया शॉट लेकिन सेकंड कॉल पर माला लगा बेहतर होता और ये सीमा रेखा बढ़ रही है सरायकेला की टीम। कितना समय है उनके पास ये बड़ा विषय है, कल भी निराश की ओर मुनराम की टीम, लक बिल्कुल ताले दे रहा है, किस्मत बिल्कुल ताले दे रही है, इसे आप किस्मत का मारा सीटा का बाकी है, काफी स्ट्रगल हुई लेकिन Thank you.
हेलो हाय हेलो हाय स्टॉप